गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम समास के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो व्याकरण भाग है आपका, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, फिर समास के छह प्रकार होते हैं, तो उन्हें वो कौन कौन से होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है समास की परिभाषा। अब यहाँ पर संधि और समास दो चीजें होती हैं जिनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संधि में वर्णों का प्रयोग होता है और समास में समासिक शब्दों का प्रयोग होता है। ये दो चीजें हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, परिभाषा में परिभाषा दे देते हैं, दो या दो से अधिक समासिक शब्द। बार बार हम यही बता रहे हैं आपको कि समास में समासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो दो या दो से अधिक समासिक शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि समास में सदैव समासिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि समास में समासिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे शब्द जो अर्थपूर्ण हो और जिनके मिलने से एक अर्थपूर्ण शब्द ही जो है वो बने। ठीक है, और वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्णों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अभी हमने आपको बताया कि वर्णों का प्रयोग जो है वो संधि में किया जाता है, समास में नहीं। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में यहाँ पर देखिए आप लिखा है राजपुत्र। तो राजपुत्र का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बन जाता है,